यह आतंकी हमला पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकी हमले में 22 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पख्तूनवा खैबर पख्तूनख्वा में यह अटैक हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस मौके के लिए दौड़ रही है ताकि वहाँ पर जो घायल हैं उनको निकाला जा सके। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त। वैसे भी पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उसी उथल पुथल के बीच ये आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। हमजा अमीर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमजा, क्या जानकारी मिल पाई? पाकिस्तान तहरीके तालिबान ने ये हमला किया है, लेकिन अभी तक कितने घायल हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं उसके हिसाब से तो एफसी के कम से कम 2 जवान शहीद हो चुके हैं और उसके अलावा काफ़ी एक बड़ी तादाद है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 या 20 के करीब है जो कि जख्मी हैं। 6 का कहा जा रहा है कि 6 दहशतगर्द हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो अंदर एफसी के इस लोकेलिटी के अंदर घुसे हैं, टांग डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर। और टांग सिटी जो है उसको इस वक्त बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। वहाँ पे ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी भी आपस में दहशतगर्दों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई जारी है। कहा यह जा रहा है कि 3 दहशतगर्द जो है उनको मार दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये सारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं तो इसीलिए उनको वो अभी तक कोई इस तरह से खबर ये नहीं आई है कि कोई किसी ने अपने आप को उड़ा दिया है या कुछ इस तरह का वाकया हुआ है। लेकिन अभी भी जो है, जैसे हम बात करें तो कैजुअलिटीज का भी नंबर आगे बढ़ रहा है और साथ ही मुकाबला भी जो है वो एफसी का। हमजा, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। खैबर पख्तूनवा में ये जो हमला हुआ है उसमें 22 लोगों के घायल होने की खबर है और रिपोर्ट्स जो इस वक्त आ रही हैं उसमें ये है कि 6 में से 3 हमलावरों को मार गिराया गया है। और पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।